हाय नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आपके सामने अलंकार का एक और एपिसोड लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में हम फिर से एक ही स्वर वाले अलंकार लेकिन अलग अलग ताल में और अलग अलग डैश यानी कि रिक्त स्थान लगा के एक ही स्वर कैसे बजाते हैं और इस चीज़ का हम आगे तान में या जोड़ जाला में भी कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले एपिसोड में जो देखा था उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम पहले जपताल में पांच सा वाला अलंकार बिना डेस के सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प इस तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर किसी भी दो सा के बीच में एक और डेस या दो डेस लगा के फिर इसी पांच सा और दो डेस वाले सात बीट में यानी कि रूपक ताल में ये अलंकार कैसे बजाते हैं ये भी देखेंगे। सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द द प प प प प म म म म म ग ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। तो ये पांच सा है तो इसको फ्लूट में भी कैसे बजाते हैं जब तक मिलेंगे। बीट्स पर मिनट स्पीड में जपताल था, अभी यही पांच सा के बीच में दो डेस लगाते हैं सा डेस सा डेस सा सा सा, तो बीट हो गए टोटल सात। सा डेस दो, दूसरा सा डेस दो, चार और तीन सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग। तो ये सात बीट में रूपक ताल आएगा। तो रूपक ताल में हम 180 बीट्स पर मिनट की स्पीड में गाना और फ्लूट पे बजाना कैसे होता है ये देखते हैं। सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी पांच सा में दो डेस लेकिन डेस की जगह बदल देते हैं। तो देखिए कैसे होता है सा डेस फिर सा सा डेस फिर सा सा डेस, तो कैसे होगा सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग। इसको भी हम 180 बीट्स पर मिनट की स्पीड में सात मात्रा के रूपक ताल में देखिए गाने और बजाना मैं कैसे। Ba 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 ba
चेंज करते हुए देखिए कैसे होता है। अब देखिए एक सा फिडेस, फिर तीन सा फिडेस और सा 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 सा, तो ये सात मात्रा हो गई, पांच सा हो गया। सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द द प प प प प म सारे अलंकार मैं आपके सामने लिख के भी रख रहा हूं ताकि आप चाहे तो इसको आपकी नोटबुक में कॉपी भी कर सकें और उसको देख देख के भी बजा सकें। अभी यही पांच स्वर वाले अलंकार में दो डेस अलग जगह पे लगा के देखिए कैसे बनता है। सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प। इस तरह से लय में रूपक ताल में 180 बिट्स में कैसे बजाते हैं। यह है 12 नंबर का अलंकार सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द द प प प प प म म म म म ग ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। देखिए 13वां नंबर का अलंकार सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द प प प प प म म म म ग ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। यही है लेकिन तीन सा के बाद एक डेस और एक सा के बाद एक और डेस, यानी सा 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 रे 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 रे। इस तरह से ताल में देखिए कैसे होता है। सा 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 रे 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 ग ग ग ग ग म म म म म प प प प प द द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द द प प प प प
लगातार मैंने आपके सामने नंबर के साथ लिख के रखे हैं ताकि आप नंबर के साथ इसको देखकर बजा भी सकें और एक स्पीड बढ़ा के दो तीन अलग अलग स्पीड में आप बढ़ाएंगे बजाएंगे तो आपकी फिंगरिंग और स्वर की सच्चाई और आपका ब्लोइंग और तत्कारी बहुत इम्प्रूव होगी, इसकी मुझे खातरी है। इसी तरह के अलंकार का जोड़ के आलाप में और जब झाला जब कोई राग बजाते हैं तो लास्ट में जब एकदम फास्ट लय में बजाते हैं तो झाला बजाते हैं, तो झाला बजाते वक्त भी इसी तरह की तत्कारी का उपयोग किया जाता है। इस तरह के अलग अलग ताल में आपने अलंकार किए होंगे तो आप झाला बहुत अच्छी तरह से बजा पाएंगे। इसी अलंकार को देखते हैं, थोड़ा स्पीड में बजा के मैं आपके सामने बताता हूँ। यही अलंकार रूपक ताल में यही चीज़ आपके सामने वन बाय वन देखिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे अलंकार वन बाय वन थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा के।
स्पीड बढ़ा गए 250 बिट्स पर मिनट। 9 नंबर का लंगा सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 इसको थोड़ा और भी फास्ट ले में करके आप बजा सकते हैं ताकि आपकी फिंगरिंग और भी अच्छी हो सके। अगर वोकल वाले गायन में अगर ये अलंकार प्रैक्टिस करें तो उसका गला एकदम तैयार हो जाएगा, और ख़ास करके जब नोम तोम के आलाप करने हो, नोम तोम के आलाप करते वक्त इस तरह से अलंकार किए हो तो गायकी में बहुत निखार आ जाता है और आपकी गायकी बहुत ही बढ़िया हो सकती है। फ्लूट में अगर इस तरह के अलंकार बजाए जाए तो आपको मालूम है, मैंने पहले बताया है, आपकी फिंगरिंग, आपकी तत्कारी, आपकी स्वर की लगाव, स्वर की सच्चाई और ब्लो बहुत कुछ बढ़िया से हो जाएंगे। तो इस तरह के और अलंकार मैं आपके सामने और लाऊंगा। ये एक ही स्वर वाले थे, याद रखिए। अब आगे दो स्वर वाले, तीन स्वर वाले, चार स्वर वाले और बहुत से कॉम्प्लिकेटेड अलंकार में भी बीच में आप डैश लगा दें तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए सा रे ग, तो इसमें बीच में एक डैश लगा दीजिए, सा रे ग रे ग म ग म प, या तो सारे के बाद डैश लगा दीजिए, सा रे ग रे ग म ग म प म प द। तो इस तरह से आप बहुत सारे अलंकार में बहुत सारी जगह डैश लगा सकते हैं ताकि अलंकार और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। उसको आप फ्लूट पे और कहीं और भी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में या गायन में गाने बजाने से आपका जो शास्त्रीय संगीत का नॉलेज है, स्वर का नॉलेज है, बहुत पक्का और सच्चा हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में झाला के अलंकार तीन ताल में अलग अलग तरह के किस तरह से बजाते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद में एपिसोड में, बाद के एपिसोड में हम
अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड अलंकार में बीच में डैश लगा के कैसे उसको और कॉम्प्लिकेटेड करके बजाते हैं। लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो बजाना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत मैकेनिकल भी हो जाएगा, एकदम ईजी से बजेगा और आपकी स्वर की जो नॉलेज है बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे, जो कि राग में राग के लिए भी आएंगे, तान बनाने के लिए भी आएंगे, आलाप के लिए भी आएंगे और बहुत सारे अलंकार भी आएंगे और फिल्मी गाने के नोटेशंस भी आएंगे। तो आपको बहुत इजी रहेगा सीखने के लिए। मुझे विश्वास है ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे एपिसोड देके क्लासिकल म्यूज़िक की और जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।